अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो काफ़ी अर्से बाद मैं एक दफ़ा फिर से यूट्यूब पे ऑनलाइन हो चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आप दोस्तों के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा इन्फॉर्मेटिव। तो गाइस आज हम बात करेंगे ज़ैपिया के बारे में। ज़ैपिया क्योंकि आप यूज़ करते होंगे, तो दोस्तों इसकी कुछ खुफिया सेटिंग है 8-9, तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो खुफिया सेटिंग क्या है और किस तरह आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर दोस्त इस खुफिया सेटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने कंप्लीट देखना है। तो उम्मीद करूँ आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम। तो गाइस जिस सेटिंग को मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है वो ये है कि आप जब भी अपना ज़ैपिया ओपन करेंगे तो उसमें एक फीचर होता है जो जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोटो, अपने वीडियो, अपने किसी भी चीज़ को जो ज़ैपिया के अंदर जब भी आप लॉगिन होते हो तो आपको दिखाई देती है। तो आप जब पर्सनल किसी के साथ, अपने वालदैन के साथ या किसी के साथ भी कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आपके फ़ोटो वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको हाइड किस तरह कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये ऐप है, इनको आप, अगर कोई ऐसी ऐप है जो आप अपने दोस्त वगैरह या पेरेंट्स या कोई भी है उसको नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐप पर प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे हाइड, तो ये कुछ सेटिंग कह रहा है कर लो। तो मतलब ये बता रहा है कि सेटिंग में जाके आपको शो हो सकती हैं, तो आपको ये शो किस तरह होंगी, तो अब आपने सिंपली जाना है यहाँ पे। मैं फ़ोटो भी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सॉरी ये फ़ोटो मैं हाइड कर लेता हूँ। तो अब इसको शो कैसे करना है, शो कैसे करना है, यहाँ पे आपने सिंपली जाना है, यहाँ मी में जाना है, नीचे मी में जाना है, और मी में आपने यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं सेटिंग, ये ऊपर यहाँ पे सेटिंग पे प्रेस करना है, और यहाँ से आपने मोर सेटिंग पे जाना है और जनरल में जाना है, और जनरल में आप जब जाएंगे यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है शो ज़ैपिया हिडन फाइल्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ये जो हैं ये हाइड हो गई हैं। तो अब इनको रिस्टोर किस तरह करना है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है तो ये रिस्टोर हो जाएंगे, वापस चल जाएंगे तो शो होने लग जाएंगी। तो इस तरह आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी इस ऐप से। तो गाइज कैसा था ये फीचर, तो अब हम सेकंड फीचर पे जाते हैं, सेकंड सेटिंग, खुफिया सेटिंग की तरफ जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो मैंने सेटिंग रखी है वो ये है कि आप जब भी ज़ैपिया ओपन करते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, तो डायरेक्टली उसके अंदर एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए वो आपका इंटरनेट दूसरा यूज़ कर पाता है। मतलब जब भी आप किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो आपका जो मोबाइल डाटा होता है वो भी यूज़ होने लग जाता है दूसरे मोबाइल में, दूसरा मोबाइल वाला वो आपका डाटा यूज़ करने लग जाता है, तो उसको आपने किस तरह ऑफ करना है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आप जैसे कनेक्ट होंगे तो आपका जो डाटा होता है हॉटस्पॉट वो ऑन हो जाता है, जिससे दूसरा भी फ़ायदा उठाता है, और दूसरे की अगर कोई अपडेट वगैरह लगी हुई होती है प्ले स्टोर वगैरह पे तो वो अपडेट होना शुरू हो जाती है, आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है या आपका पैकेज या MB ख़त्म हो जाती है, वो आपने किस तरह ख़त्म करनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंपली ये ऐप फ्रंट पेज है, यहाँ से आपने नीचे मी में जाना है, मी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में आपने फिर मोर सेटिंग पे जाना है, और मोर सेटिंग में जर्नल में जाना है, और जर्नल में आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपका ऑन होगा शेयर मोबाइल डाटा इन वाईफाई हॉटस्पॉट ये वाला, तो आपने इसको ऑफ कर लेना है। तो इससे ये होगा कि आपका जो भी, जब भी आप किसी मोबाइल से कनेक्ट होते हो तो आपका नेट नहीं होगा, नहीं चलेगा दूसरे मोबाइल पे, सिंपली वो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। तो गाइस यकीनन आपको ये भी फीचर, काफ़ी दोस्तों को ये पता नहीं था लेकिन आप जान चुके हैं। अब हम अपने थर्ड फीचर पे जाते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है, वो इसलिए जो न्यू यूज़र हैं ज़ैपिया के, मतलब आप जब किसी के साथ किसी को कोई चीज़ देना चाहते हैं तो दूसरे पास अगर ज़ैपिया वगैरह नहीं है तो वो आप किस तरह सेंड कर सकते हैं।
तो ये खुफिया सेटिंग है, मतलब ये भी आप कुछ ज़्यादातर को पता होगी लेकिन काफ़ी को पता नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में कोई डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लेकिन साथ वाले मोबाइल में जैपे वगैरह नहीं है, तो आपने सिंपली अपने जैपे को ओपन करना है और जो भी आप चीज़ सेंड करना चाहते हैं, फ़ोटो या वीडियो या ऐप्स वगैरह, आपने उस पे प्रेस करना है और आपको शो हो जाएगा यहाँ पे बाई ब्लूटूथ। तो आपने यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो सेकंड जो है मोबाइल, वहाँ से आपने ब्लूटूथ ओपन कर लेना है और इसे ऑन करना है और नीचे विजिबिलिटी ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं शो हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो ये एज ए ब्लूटूथ के ज़रिए इस तरह आप कर सकते हैं। तो गाइस जो खुफिया सेटिंग मैंने नंबर 4 पे रखी है वो ये है कि अगर आपके पास डाटा है, मतलब आपका कंटेंट है ज़्यादा है और आपका मोबाइल जो है वो आपने सेल करना चाह रहे हो और न्यू लेना चाह रहे हो, तो कंप्लीट जो डाटा है उसको कंप्लीट आप दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आपको वो बताता हूँ। तो आपने अपना पुराना सारा डाटा अपने न्यू मोबाइल में किस तरह करना है, तो आपने सिंपली जैपे ओपन कर लेना दोनों मोबाइलों में, और जैपे ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जाना है दोनों मोबाइल्स के अंदर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये फ़ोन रिप्लेस रिप्लिकेट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है दोनों मोबाइल्स में। और अगर आपका ये पुराना मोबाइल है और ये न्यू है, तो जो न्यू है उसके ऊपर आपने क्लिक करना न्यू वाले पे, और जो आपका ओल्ड मोबाइल है ये वाला, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना ओल्ड पे। अब ऐसा होगा कि ये जो पुराना मोबाइल है इसका सारा डाटा न्यू मोबाइल में चल जाएगा, वो कैसे होगा वो आपको दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली ये नीचे उसने खुद ही कनेक्ट कर लिया, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये नीचे स्कैन QR कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने इस कोड को सर्च करना है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं उस मोबाइल की मेमोरी कम है, मतलब स्पेस कम है, इसलिए मुकम्मल जो डाटा था वो 518 MB का है, नहीं वो रीमिंग है। ये आप देख सकते हैं इस मोबाइल का जो कंप्लीट डाटा है वो इधर आपको शो हो रहा है। ये सारा का सारा आप सिंपली इस तरह अपने पुराने मोबाइल से न्यू में कर सकते हैं, कंटेंट्स, एप्स, इमेज, म्यूज़िक, वीडियोस, तो इस तरह आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जो नंबर 5 पे सेटिंग है वो ये है कि अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई है और आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड भी है, लेकिन ज़ैपिया ऐसा है, ज़ैपिया ने ऐसी सेटिंग की हुई होती है जो आपके इंटरनल स्टोरेज में जाती है, तो आपने वो सेटिंग किस तरह चेंज करनी है, आपने SD कार्ड को किस तरह इंटर करना है कि ज़ैपिया से आप जो भी ट्रांसफ़र डाटा करें वो डायरेक्टली आपके कार्ड में जाए, तो चलिए आपको बताते हैं। तो गाइज़ अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो चुकी है जैपे में और कोई चीज़ नहीं आ रही, तो आपने एक्स्ट्रा कार्ड भी डाला है अपने मोबाइल में, तो आपने वो सेटिंग किस तरह करनी है कि आपके कार्ड में जो भी आप डाटा ट्रांसफ़र करें वो आपके कार्ड में डायरेक्ट पहुंचे, तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है मी में, और यहाँ पे आपको ऊपर सेटिंग नज़र आ रही होगी, सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आपने मोर सेटिंग पे जाना है, और यहाँ से आपने जर्नल में, और जनरल में आपको फर्स्ट पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो काइंडली इसमें कार्ड वगैरह नहीं है इस मोबाइल में, तो यहाँ पे नीचे इसके नीचे आपको कार्ड वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी डाटा आप ट्रांसफ़र करेंगे वो डायरेक्टली आपके कार्ड में जाएगा, SD कार्ड में। तो गाइस नंबर 6 पे जो फीचर है इनका, जो खुफिया सेटिंग है वो ये है कि अगर आपके पास ज़ैपिया मौजूद नहीं है आपके मोबाइल में और साथ वाले के मोबाइल में ज़ैपिया है और आप दोनों के पास इंटरनेट भी नहीं है कि आप डाउनलोड कर पाएँ और आप ब्लूटूथ वगैरह से भी डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा फीचर है, चलिए हम उसके बारे में आपको दिखाते हैं। उस फीचर का मतलब ये है कि आप फ्री में आप वो इंटरनेट देते हैं और आप गूगल से आसानी से ज़ैपिया डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। जैपिया में जाना है
और ज़ैपिया में आपने यहाँ पे कनेक्ट में जाना है, और कनेक्ट में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इनवाइट लिखा हुआ है, इनवाइट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री इनवाइट, फ्री इनवाइट पे आपने क्लिक करना है। और ये एक कोड आ गया है ऊपर वाईफाई का, ये आपने सेकंड मोबाइल में आपने वाईफाई ओपन करना है, यहाँ पे वाईफाई ओपन कर लें, यहाँ पे नीचे कनेक्ट कर लेना है आपने वाईफाई, ये DM जॉइन मी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और इस मोबाइल में आपको दिखा दूँ यहाँ पे वाईफाई ऑफ है मेरा, तो ये वाला कोड इधर कनेक्ट हो गया है। अब आपने सिंपली जाना है इधर गूगल क्रोम में, और यहाँ पे आपने टाइप करना है सिंपली ये वाला कोड जो इधर नज़र आ रहा है आपको, ये कोड आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो ये कोड टाइप करने के बाद ये आपके पास है, ये ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, और आपने यहाँ पे एंड्रॉयड डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये फ्री में आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे बग़ैर इंटरनेट के। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है, ये इनकी फ्री सर्विस है ज़ैपिया की। तो गाइस नंबर 7 पे जो मैंने सेटिंग को रखा है वो ये है कि अगर आपने ज़ैपिया में से कोई चीज़ सेंड करना चाहते हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट है और आपको ज़ैपिया में से नहीं मिल रहा, तो वो आपने किस तरह ढूंढना है, चलिए आपको दिखाते हैं। जो भी आपका डाटा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा, या फ़ोटो में भी नहीं हो रहा, वीडियो में नहीं हो रहा, ऑडियो में नहीं हो रहा, फाइल्स में नहीं हो रहा, तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे और कैसे दूसरे के पास सेंड करेंगे? तो आपने सिंपली फाइल्स में जाना है, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका डाटा है वो यहाँ से आप सिंपली सर्च कर लेंगे, और उस पे यहाँ से क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं, बहुत इजी, बहुत ही आसान है। तो गाइस नंबर 8 पे जो सेटिंग है, अगर आप नाइट में ज़ैपिया यूज़ कर रहे हैं तो इनका ये फीचर है, तो आप अगर ये क्लिक कर लेंगे तो आपको आसानी होगी ज़ैपिया इस्तेमाल करने में, और आपकी आइज डैमेज वगैरह नहीं होंगी। तो ये थीम है, तो ये आपको दिखाते हैं। ज़ैपिया में आपने सिंपली जाना है यहाँ पे मी में, और मी में यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा है सेटिंग, और सेटिंग के बाद मैसेज, और साथ में ये चांद सा बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपकी थीम चेंज होकर जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम की तमाम फीचर्स, इनमें से काफ़ी आपको पता होंगे, शायद ज़्यादा को पता नहीं होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो इस तरह की अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू आपका प्यारा हसन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।